Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to our today's video lecture. And in our today's video lecture, we will be discussing the summary of a short story from your text, a first short story, in fact, from your text, that is The Necklace. The Necklace. This short story has been written by a very prominent and famous writer of 19th century from a French-based writer, namely Henri René Albert Guy de Maupassant. Henri René Albert Guy de Maupassant, who was born on 5th August 1850 and lately died on 6th July 1893. In this necklace, he presents on the life situation or a biography of a beautiful French girl who was born in a middle class family. And this girl, or the main character of this short story, was Matilda Loisel. जो ये मैटिल्डा लॉइजल होती हैं, ये फ्रांस में ही पैदा हुई होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली में, एक क्लर्कल फैमिली में, जिनका लाइवलीहुड सोसो होता है. और इसी के अराउंड, इसी की जिंदगी के आधार पर ये जो आज की शॉर्ट स्टोरी है, ये गाय डी मॉपसन ने लिखी हुई है. तो ये जो मैडम लॉइजल है, ये एक बहुत ही, हमें चूंकि डिस्कस ही करना है तो हम लाइन वाइज इसको या पैरावाइज डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका कैरेक्टर स्केच आपको बोलूंगी. मैडम लॉइजल जो होती है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की होती है जो फ्रांस के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई होती है. मगर चूंकि ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत प्रिटी है, इसके ख्वाब उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसके डिजायर्स और एस्पिरेशंस उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है. जो मैटिल्डा लॉइजल है, इसका बचपन से ही ख्वाब होता है कि एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी बने, ये वेल नोन पर्सनैलिटी बने, या इसकी शादी एक ऐसी फैमिली में हो जो या तो बहुत ज्यादा रिच हो, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, या फिर कोई वेल नोन पर्सनैलिटी या डिग्निटरी हो. बट अनफॉर्चुनेटली इसके जो ये सारे ख्वाब होते हैं, सारे ड्रीम्स जो होते हैं, वो कभी सच नहीं होते. और अल्टीमेटली इसकी शादी एक क्लर्कल फैमिली में ही हो जाती है, यानी इसका जो हस्बैंड होता है वो एक क्लर्क होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में. और ऑल दो ही इज अ क्लर्क, मिस्टर लॉइजल इज अ क्लर्क, मगर वो हर मुमकिन कोशिश करता है, वो इतनी हार्डवर्क करता है, बहुत हार्डवर्क करता है मैटिल्डा लॉइजल को एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड देने की. बट स्टिल मैटिल्डा जो है, उसके पास हर एक चीज होने के बावजूद, एक नॉर्मल लाइफ की हर एक चीज होने के बावजूद, एक सहूलियत होने के बावजूद भी, वो कभी खुश नहीं होती है और अंदर ही अंदर वो कुड़ती रहती है, वो अंदर ही अंदर परेशान रहती है लग्जरीज के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए, जो उसको आगे जाके बहुत तकलीफ देता है. उसी को लेके वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी रहती है, अपने घर की दीवारों को, अपने घर की फर्नीचर को, अपने घर की सहूलियतों को देख के वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती है. और ये अनसेटिस्फेक्शन ये उसको आगे जाके, उसको और उसके हस्बैंड को इसका बहुत ज्यादा कुछ खमियाजा भुगतना पड़ता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क उनको करनी पड़ती है, क्योंकि इन फॉल्स डिजायर्स की वजह से उसको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है. तो अब हम इसी स्टोरी को आगे, ये एक आयरोनिकल स्टोरी है, एक आयरनी है, इसी को हम पैरावाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the board of education. She was simple, but she was unhappy. She yahan pe ishara hai Matilda Loisel ki taraf. वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही, वो एक यंग लेडी थी, एक बहुत खूबसूरत प्रिटी दिखने वाली, खूबसूरत डिलडोल वाली शक्ल सूरत वाली लड़की थी या औरत थी, जो पैदा हुई थी इन एक क्लर्कल फैमिली में. एज द एरर ऑफ डेस्टिनी, बदकिस्मती से वो अनफॉर्चुनेटली वो एक क्लर्कल फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी. उसके पास न लेने को दहेज था, न कोई उम्मीद थी, न कोई तरीका, कोई मीन्स और मीडियम था क्या बनने का,
क्या बोलते हैं इसको, डिस्टिंग्विश्ड या पॉपुलर या रिच बनने का उसके पास कोई तरीका नहीं था. वो चाहती थी कि वो बहुत ज्यादा अमीर घराने में बहा के जाए, उस जो उसका हस्बैंड हो वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करे और उसकी मैरिड लाइफ एक लग्जरियस लाइफ की तरह गुजरे. बट अनफॉर्चुनेटली उसको एक शादी करनी पड़ी एक क्लर्क के साथ ही. उसका जो हस्बैंड मिस्टर लॉयजल है वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में एक क्लर्क था. वो बहुत ज्यादा सिंपल थी बट वो हमेशा अनहैप्पी ना खुश रहती थी. शी सफर्ड इनसेसेंटली लगातार इनसेसेंटली कंटिन्यूअसली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट द शेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. वो अंदर ही अंदर सफर कर रही थी, कुड रही थी कंटिन्यूअसली. उसको ये तकलीफ दे रहा था अंदर ही अंदर. उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था. वो समझती थी कि वो पैदा हुई थी डेलिकेसीज और लग्जरीज के लिए, तमाम जिंदगी की खूबसूरत सहूलियतों के लिए, आरामदेह चीजों के लिए, आसाइश के लिए, आराम के लिए, ऐशो अशरत के लिए, डेलिकेस अच्छे खाने और अच्छे पहनावे के लिए. बट वो एक ऐसी जिंदगी ना पा सकी. उल्टा उसकी जो उसका जो अपार्टमेंट था, उसका जो घर था, वो सफर कर रहा था पुअर्टी की वजह से. यानी वो गरीबी की जिंदगी गुजार रही थी. उसके घर की शैबी वॉल्स, अजीब उसके अजीब गरीब फर्नीचर, चेयर, कटा फटा फर्नीचर उसको हमेशा टॉर्चर किया करता था. और ये चीज उसको हमेशा गुस्से में रखती थी. वो हमेशा अपने साथ गुस्सा लिए फिरती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband who uncovered tureen with a delighted air saying, "Oh, the good pot pie, I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing. And she loved only those things. और जब भी उसका हस्बैंड उसके साथ दोपहर या डिनर का खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता था, और जैसे ही वो टुरीन मैंने बोल एक हॉट पॉट जब वो उसका ढक्कन उठाता था, वो एक इतना शुक्रगुजार इंसान था क्योंकि एक हार्ड वर्कर था. वो बहुत ज्यादा कोशिश करता था कि अपनी बीवी को खुश रख सके. वो काफी तारीफें करता था. वो ऐसा कहता था कि उसने दुनिया में इससे टेस्टी और इससे खुशबूदार खाना कभी नहीं देखा या चखा. तो उस टाइम भी, इवन एट दैट टाइम, मैटिल्डा लॉयजल जो है वो उन्हीं ख्यालों में होती थी कि काश उसके पास बहुत ज्यादा सजीला फर्नीचर होता, बहुत ज्यादा एलिगेंट डिश और बर्तन होते, सोने चांदी के बर्तन होते जिनमें वो बहुत ज्यादा टेस्टी मील्स सर्व करती, खुद भी खाती और अपने हस्बैंड को खिलाती. तो ये चीजें उसको अंदर ही अंदर खाई जाती थी. वो समझती थी कि ना उसके पास अच्छे गाउन्स हैं पहनने को, ना अच्छा पहनावा है, ना अच्छी ज्वेलरी है, ना अच्छा जेवर है, और ये चीजें ऐसा कुछ भी उसके पास नहीं है जो एक रिच फैमिली में एक रिच लेडी के पास होता है. और उसको उसका दिल उसका दिमाग उन्हीं चीजों की तरफ माइल था. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट. शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड. शी वेप्ट फॉर होल डे फ्रॉम डिसअपीयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. उसकी एक दोस्त भी थी बचपन की दोस्त जो उसको स्कूल के टाइम से, कॉन्वेंट के टाइम से ही उसकी दोस्त थी. उसकी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में हुई थी जिसके पास जिंदगी का हर एक सहूलियत का लग्जरी का सामान था. ये वहां जाना चाहती भी थी और जा भी नहीं सकती थी. अगर ये जाती भी तो वहां से आके फिर बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड होती थी, बहुत ज्यादा निराश होती थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में होती थी उसकी वो आराम दे जिंदगी देख के. इसलिए कोशिश करती थी, अवॉइड ही करती थी वहां जाना. और इसके उस दोस्त का नाम था मैडम जीन फॉरेस्टियर. तो एक शाम क्या होता है, वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड elated, bearing in his hand a large envelope. "Here," he said, "here is something for you." She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words: "The Minister of Public Instruction and Madame George Rampogno ask the honor of Mr. and Madame Loisel's company. Monday evening, January 18, at the minister's residence." एक शाम का वाका है. उसका हस्बैंड, उसका जो शोहर होता है वो ड्यूटी से आता है, वो काम से आता है, और वो बहुत ही एक्साइटेड मूड में अपनी बीवी को बुलाता है कि आ जाओ बाहर. हियर आई एम वेटिंग फॉर यू, ही सेड. वो कहता है हियर, इधर सुनो, हियर इज समथिंग फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ
लाया है. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. वो जल्दी से बाहर आती है और वो अपने हस्बैंड यानी मिस्टर लॉयजल के हाथ में एक कार्ड देखती है जिसपे इंस्क्राइब जिसपे लिखा हुआ होता है द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रॉम्पनियो आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस. तो वो कार्ड एक दावतनामा होता है एक रोका होता है जिसपे मिनिस्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्ट्रक्शन ने उनको शाम की दावत के लिए शाम के खाने के लिए मधु किया होता है. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" तो जैसे ही वो देखते हैं बजाय वो खुश होने के जैसा कि उसके हस्बैंड ने उम्मीद की होती है कि होप होती है उसको कि वो ये इनविटेशन कार्ड देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी वो उल्टा कह देती है कि आपको क्या लगता है कि मैं वहां मुझे इसका क्या करना है. एंड शी थ्रोज द कार्ड ऑन द टेबल. But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world. Mr. Loisel tries to console her. He tries to say her कि मैंने तो सोचा था कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि आप अक्सर इस बात की शिकायत करते कि आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते तो आज मुझे ये मौका मिला है जो कि सारे मुलाजमों को नहीं मिलता है खास लोगों को मिलता है खास मुलाजमों को मिलता है. तो अगर आप मेरे साथ जाओगी आप बहुत आपको अच्छा महसूस हो जाएगा आपकी आउटिंग हो जाएगी अच्छा खाना खाने को मिलेगा अच्छे लोगों से मिलना जुलना होगा आपको ये तो आपका ख्वाब है तो आप खुश क्यों नहीं हो रही है. ही हैड नॉट She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" तो वो बहुत ही आजिजी से इरिटेटेड चीज गुस्से में या आजिजी में या क्यूरियोसिटी में उससे उसकी तरफ देखती है और कहती है कि आपको क्या लगता है कि ऐसी जगह पे जाने के लिए मेरे पास कुछ पहनने को है होगा. He had not thought of that. He stammered. Why? The dress you wear when we go to the theater? I see. It seems very pretty to me. He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered. What is the matter? Kyunki Mr. Loisel ne aisa nahi socha tha ki invitation milne pe use laga tha ki uski biwi bahut zyada uski जो वाइफ मेटल रहे वो काफी ज्यादा खुश होगी क्योंकि वो काफी देर से बाहर नहीं गई थी घूमने नहीं गई थी. तो उल्टा ही जब इंस्टेड खुश होने के बजाय जब उसकी बीवी ने शिकायत लगाई कि वो वहां नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके पास ऐसा पहनने को कुछ नहीं है तो मिस्टर लॉयजल उसको चूंकि वो नहीं जानता था वो स्टमर करने लगा उसको हकलाने लगा क्योंकि वो डिस्मे में आ गया उसका वो भी उदास हो गया क्योंकि उसको पता नहीं थी कि इससे वो उदास होगी. हाउएवर वो कंसोल करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि क्यों आपके पास तो वो बहुत प्यारी प्रिटी ड्रेस है जो आप तब पहनती हैं जब हम थिएटर देखने या ड्रामा देखने या सिनेमा देखने जाते हैं मुझे तो आप उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है. बट अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो अच्छी ड्रेस नहीं है और वो इस पार्टी पे या इस फंक्शन या इस डिनर पे जाने के लायक नहीं है इसलिए वो कोशिश करता है अपनी बीवी को समझाने की या मोटिवेट करने की. बी बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पोंडेड इन अ कॉम वॉइस वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स नथिंग Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. वो somehow काम रिलैक्स करने की कोशिश करती है वो वेक्सेशन या वो इरिटेटेड बिहेवियर को काम करती है और कहती है नहीं कुछ ऐसा नहीं है बस इतना है कि मेरे पास ऐसी पार्टी में क्योंकि हाई प्रोफाइल पार्टी है हाई प्रोफाइल डिनर या बॉल रूम डांस पार्टी है तो वहां जाने के लिए मेरे पास एक अच्छी ड्रेस नहीं है इसलिए हम वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते. तो इसलिए आप ऐसा करें कि आप अपने किसी कलीग को दें जिसके पास जिसकी बीवी के पास ऐसे कपड़े हों या ऐसी ड्रेस हो या ऐसे गाउन हो जो वहां पे पहन के जा सके और जो इस पार्टी के लिए बेस्ट फिटेड हो. ही वॉज ग्रेव्ड बट आंसर लेट सी मैटिल्डा हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट
something that would serve for other occasions, something very simple. तो वो अपनी बीवी को मोटिवेट करने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है, कहता है कोई बात नहीं मैटिल्डा, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम एक नया ड्रेस खरीदेंगे, एक ऐसा ड्रेस जो हमें ज्यादा कॉस्टली भी ना मिले, हमारे बजट में आए और जिसको आप बाद में भी पहन सकती हो, किसी और ओकेजन के लिए भी पहन सकती हो. शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम दैट कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally, she said, in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. क्योंकि इसका हस्बैंड इसे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि कितने की वो ड्रेस आएगी जो हम बाद में भी किसी और ओकेजन के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं. तो वो कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाती हैं, म्यूट हो जाती हैं, वो सोचती हैं और वो सोचती हैं कि मैं एक ऐसी रकम बता दूं जो उसके इस क्लर्क हस्बैंड के लिए ज्यादा मुश्किल भी ना हो और उसको ड्रेस भी आए. और वो तखमीना या अंदाजा लगा के कहती है कि 400 फ्रैंक्स विल वर्क, फ्रैंक फ्रांस की करेंसी है, तो वो कहती है कि 400 फ्रैंक्स में एक ऐसी ड्रेस आएगी जो हमें ये पर्पस के लिए, इस पार्टी की पर्पस के लिए भी काम आएगी और बाद में भी हम उसको ओकेजनली यूज कर सकते हैं. तो यहां तक हमने ये समझा क्योंकि ये बहुत बड़ी शॉर्ट स्टोरी है, इसको हम एक ही लेसन में कवर अप नहीं कर सकते हैं, तो हम इस लेसन में इतना ही कंक्लूड करेंगे. यहां तक हमने ये देखा कि मैटिल्डा लॉयसल एक ब्यूटीफुल लेडी है, बट शी हैज वेरी हाई एस्पिरेशंस एंड हाई गोल्स एंड हाई ड्रीम्स ऑफ लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, बट देर आर नो मीन्स टू फुलफिल दोज गोल्स, एंड शी गेट्स टू मैरी अ वेरी मिडिल क्लास क्लर्क, ऑल्दो हिज हस्बैंड इज अ वेरी हार्ड वर्किंग and very loving and caring husband, but she damn gives a care to his love and this hard work as she always remains in the dreams of having a luxurious life. And one day they get an invitation from a high profile family or high profile party, but she had no dress to wear, and she exclaims to her husband that to give this invitation to one of his colleagues who is best fitted, or his whose wife is best fitted for the dinner. But his husband, as being a careful and loving husband, consoles her and tries to manage money or francs for her dress. Inshallah, hum next lecture mein isko aage continue karenge. Till then, aap is lesson ke through jaiye aur isko samajhne ki koshish karenge. Allah Hafiz.